और लुक वाइज भी मैं इसको, लुक वाइज तो मैं इसको 5 out of 5 दूंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम रिव्यू करेंगे इन्फिनिक्स का हॉट 9 जो कि मेरे पास में है। और ये फ़ोन आ रहा है 9,950 रुपये का इस टाइम। और इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा इस फ़ोन का, और मैं आपको बताऊंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, जिसमें 6.6 इंचेस का HD+ डिस्प्ले है जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया है। और सेकंड बात करते हैं इसकी बैटरी की, जो कि इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि बहुत बढ़िया चलती है, पूरा दिन चल जाती है। और इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें है एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन 10, और इसका इन्फिनिक्स का अपना सॉफ्टवेयर है XOS जो कि 6.1 इसका अपडेट आया है एक नया। ट्रिपल सिम स्लॉट दी हुई है इसमें, जिसमें आप एक टाइम में 2 SIM और मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं। बैक कैमरा इसमें 13 MP का है, और फ्रंट कैमरा है इसका 8 MP का। इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें एक वाइड एंगल लेंस है और एक इसमें मैक्रो लेंस भी है। इसके कॉन्स की अगर बात करें तो इसका प्रोसेसर इसमें हीलियो P22 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि इसके पुराने वाले वर्जन में भी दिया गया था। तो प्रोसेसर इसका पुराना है, बट ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अगर आप इसमें गेम वगैरह खेलते हैं तो इसमें हैवी गेम थोड़े से लैग कर सकते हैं। एक और इसका एक कॉन है कि इसमें टाइप सी वाला पोर्ट नहीं दिया गया है, इसमें USB 2.0 दिया गया है, जिससे इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती है, और इसको चार्जिंग करने में मतलब 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं। कैमरा के फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें एक लो लाइट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कभी कभी करता है, बाकी डे लाइट में बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ इसके आते हैं। तो ये मैंने कुछ सैंपल लिए हैं डे लाइट में, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये पोर्ट्रेट में मैंने एक लिया है, और सेल्फ़ी कैमरा तो इसका बहुत ही बढ़िया। ये मैंने बैक कैमरा लिया है, तो यार मेरे को तो फ़ोटो क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया लग रही है, बाकी आप देखना यूज़ करके। कैमरा फ़ीचर्स की अगर बात करें तो स्लो मोशन इसमें फ़ीचर नहीं है, और वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी फ़ीचर इसमें नहीं दिया गया है। तो हो सकता है आने वाले अपडेट में इसमें कुछ स्टेबलाइजेशन या कैमरा फ़ीचर्स ऐड कर दिया जाए, तो वो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं इसी के कैमरा से शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो मेरा माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है वो भी इसी कैमरा का माइक्रोफोन इस टाइम यूज़ हो रहा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है और इसका माइक्रोफोन वगैरह की क्वालिटी कैसी है। ओवरऑल अगर फ़ोन की बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, मतलब 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसको अगर ज़्यादा मतलब फ़ोन का वो यूज़ करने का नहीं है तो गेमिंग वगैरह का, तो उसके अलावा फ़ोन बहुत ही बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। तो इसे आप परचेस आराम से बेझिझक कर सकते हैं, बैटरी वगैरह बहुत अच्छी चलती है, कैमरा डिसेंट है, डे लाइट में बहुत ही अच्छा कैमरा इसका है। और अगर ओवरऑल मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 4 out of 5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि बजट में ये बहुत ही बढ़िया बजट फ़ोन है, सब कुछ मतलब इसको बजट में मिल जाता है। तो आप इस फ़ोन को बहुत ही आराम से परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लुक वाइज भी मैं इसको, लुक वाइज तो मैं इसको 5 out of 5 दूंगा, क्योंकि कैमरा इसका डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले के अंदर कैमरा है, और इसका जो है स्लिम फ़ोन है काफ़ी, पीछे का भी लुक इसका बहुत ही बढ़िया है। तो लुक वाइज तो मैं इसको 5 out of 5 ही दूंगा रेटिंग, बाकी आप इसको देखें फ़ोन को लेके कैसा लगता है बताएं आप कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नो 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 नो। तो और मैं इसको बताना फोन रेटिंग क्यों दी है बजट के हिसाब से, ऐसे इसमें ऐसा फ़ोन नहीं मिल सकता।